नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। फिलहाल हमारी टीम हरियाणा का जो जिला जींद है वहां पर पहुंची है। और भाई, जो आप दोनों भाइयों देखने लग रहे हो, एक तो अक्षय हरिराम भाई है, एक तरफ आकाश हरिराम भाई है। और आप सभी को बताना चाहूँगा भाई, ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी थी, एक लाख रुपया का ऑफर कंपनी ने इन भाइयों को दिया था। इन भाइयों ने वो ऑफर ठुकरा दिया था, क्योंकि अपनी भारतीय हस्तकला, यानी कि जो भारतीय हस्तकला को बचाने के लिए उसको, उसके जो टैलेंट है उसको दर्शकों तक और जो पूरी इंडिया और पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए जो इन्होंने ये आइटम तैयार करे हैं, भारतीय हस्तकला को, मैं अपनी हरियाणा की संस्कृति को, अपनी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ये आइटम आप देख सकते हैं। इसको नोरा बोलते हैं, इसको हवेली बोलते हैं, इसको नोरा बोलते हैं स्पेशली हरियाणवी संस्कृति के अंदर। इन्होंने स्पेशली तैयार करा है भाई अपने हाथों से, यानी कि जो मशीनीकरण का जो युग आ रहा है, मशीन तो क्या करे, एक बार जो आप उसमें जो साँचा सोचा जो तैयार कर देते हैं जो डिज़ाइन, वो उसी डिज़ाइन में मशीन निकालती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने हाथों से जो किसी भी आइटम को बनाता है, तो भाई उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, वो अपने दिल से आइटम को तैयार करता है। और जो भाई वुड ट्यूब नाम से भाइया का चैनल है, इंटरनेशनल चैनल है, विदेशा भाइया का चैनल देखा जाए, बहुत सारी वीडियो भी आपने वुड ट्यूब जो यूट्यूब चैनल भाइया का उसके ऊपर मिल जाएगी। और मिलियन में व्यू हम भाइया के, इसका कम हमने सोचा भाइया तो मिला हम भी। सब तो पहले अक्षय भाई राम राम। राम राम जी, राम राम, राम राम अजय भाई साहब, आपने भी राम राम। और ग्राउंड मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने, प्यारे प्यारे दर्शकों ने, हमारी दोनों भाइयों की, हमारी पूरी टीम की आपने हाथ जोड़कर राम राम जी। और हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं जी, हमारे एक छोटे से स्टूडियो में आप आए और अपना समय निकाला जी। बिल्कुल आकाश भाई, आपका भी स्वागत है ग्राउंड मीडिया में भाई। हमारी वुड ट्यूब कंपनी की तरफ से यू ग्राउंड मीडिया की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, तो अक्षय भाई दर्शकों ने बताओ कैसे, क्या आपने शुरुआत करी, क्योंकि जो ये आइटम आपने तैयार कर रखे है ना, मतलब ये किसी म्यूजियम से कम नहीं लगते। हम आप स्टूडियो कह रहे हो वुड ट्यूब कंपनी है भाई, भैया की जो चैनल है, हम तो ऐसा लग रहा है, घुमा के दिखा दे भाई एक बार, जो आइटम तैयार कर रखे हैं इपे के भाई पे, तो भैया का एक संदूक भर रखा है भैया ने, वो आइटम भी हम आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से, आपने दिख जाएंगे भाई साहब। कैसे के मन में आपके यहाँ आए भाई हमने ये तैयार करने हैं? बड़े भाई साहब, बात ऐसी है जी, हम बचपन से ही दोनों भाइयों का शौक रहा, हम इधर उधर तो मतलब आवारागर्दी में तो घूमे नहीं, हमारा बचपन से ही कलाकृतियाँ और ड्राइंग के अंदर इंटरेस्ट रहा है। तो बचपन से ही स्कूल से आते और हमारे पिताजी लगे मिलते, तो हम उनके इधर उधर हो जाने पर हम भी कुछ न कुछ बनाने का प्रयास करते और सीखते सीखते, मतलब बचपन से ही आपकी तरह हम भी जिज्ञासु रहे हैं। बिल्कुल, तो सीखते सीखते आज हम आपके सामने हमारी पूरी पूरी की पूरी कलेक्शन प्रस्तुत करेंगे जी। और ये तो अभी ट्रेलर टाइप में लगा लो जी, पूरे आपको कलेक्शन दिखाएंगे। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ज़्यादा बारीकी के अंदर जाना चाहते हैं, तो हमारा चैनल का दौरा करिएगा। हम दोनों भाइयों ने दिन रात मेहनत कर कर एक एक मतलब वीडियो तैयार करते हैं, हर प्रोजेक्ट पर महीना महीना लग जाता है जी, और फिर तैयार करते हैं। बिल्कुल, देख भाई जो अक्षय भाई भी बताने लग रहा है भाई, दिन रात मेहनत करी है। अक्षय भाई का एक बार मैं हाथ दिखाना चाहूँगा भाई, मतलब अपनी भारतीय हस्तकला को जिंदा रखने के लिए भाई का हाथ कट गया था। और तो भाई का जो आकाश भाई है, इसका चेहरे के ऊपर भी चोट लगी थी, यानी कि भाई नू ना मानो, अगर इनके पीछे बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारा पुरुषार्थ छिपा है, जैसे जो अपना जो टैलेंट है, अपनी योग्यता है, उसको जिंदा रखने के लिए भाइयों ने बहुत संघर्ष कराया है। मेरा भी निवेदन है वुड ट्यूब जो चैनल है भाई, एक बार वहाँ जा करके विजिट जरूर करो भाई साहब। जो आप ने जो ये जो टैलेंट मिला है, उसमें परिवार का कितना क्या सहयोग है, पिताजी ने क्या कहा जब आप ये आइटम तैयार करते थे, क्योंकि इन आइटमों को तैयार करने के लिए बहुत टाइम लगता है, टाइम वेस्ट भी होता है, तो परिवार वालों ने क्या कहा? देखिए, हमारा जो परिवार है वो चाहता है कि बच्चा पढ़ लिख के और बढ़िया नौकरी लगे और वो अपनी लाइफ आगे चलावे, सक्सेस होए। लेकिन मेरे नज़रिए, मेरे भाई की दोनों के नज़रिए में यह कोई सक्सेस नहीं मानते। जब तक जो अपने अंदर कला है ना, अगर उसके माध्यम से इनकम का सोर्स या आपकी कला पैसने बन जाए, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। बिल्कुल भाई, आपकी जो कला है, आपको जो पैसन है, आप उसको अपने बिजनेस में डाल लो हो, अपना एम इन लाइफ उसी को बना लेते हो, वो बहुत बड़ी बात है। तो अक्षय भाई, और किक के टैलेंट आपने छिपा रखे है, जैसे यहाँ आइटम तो आप बनाए हो, इसके अलावा क्या क्या टैलेंट है भाई? जी, हम पायरोग्राफी भी करते हैं, वुडन को जला करके, मतलब उसके अंदर किसी कलर का प्रयोग नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा भाई। बिल्कुल, ये देखिएगा, इसके अंदर भाई साहब किसी कलर का उपयोग नहीं कर रखा इसको, मतलब वो जो टाके लगाने वाला आयरन, शोल्डर आयरन होता है ना, उसके साथ बना रखी है ये।
और मैं आपको दिखाऊंगा जो देख सको भाई, बहुत बड़ी बात है यार। हाथी भाइया ने इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर हाथी बना रखा है और किसी भी रंग का प्रयोग नहीं कर रखा, यानी कि देख सको आप किस हिसाब से इन्होंने बना रखा भाई, बहुत बढ़िया जो कलाकारी है भाई। और भाई अक्षय भाई, और जी भाई साहब मैं आपको एक और अब मॉडल दिखाएंगे जी भाई, दिखा दो एक बार इस तरफ, चलो यही दिखा दे भाई एक बार, तो दिखा दे भैया का एक संदूक, छोटा संदूक तो खुल गया, दूसरा संदूक बड़ा वो भी दिखाएंगे जी। ये अपनी दर्शकों के प्यार से, आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से ये वीडियो आज लगभग 3 मिलियन पर पहुंच चुकी है जी। बिल्कुल, कौन सी कंपनी की मोटरसाइकिल है जी? जी हीरो स्प्लेंडर है जी। हम बहुत सारी मोटरसाइकिलें, बाइक वगैरह मॉडल बनाने में लगे हुए हैं अब तो, और आगे आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो। बिल्कुल देख सको भाई, छोटी जो ये बाइक है, मतलब यह बनाने खातर भाई ने दिन रात मेहनत करी है भाई। यह एक बाइक नू ना मानो तो हमें अगर 1 घंटे में 1.5 घंटे में यह तैयार हो जाए, यह बहुत बड़ी बात है। और 3 मिलियन यानी कि 30 लाख व्यू इस मोटरसाइकिल की जो वीडियो है वुड ट्यूब चैनल के ऊपर अपने मिल जाएगी, 30 लाख व्यू हो रही है। हाँ भाई सब क्या कहते हैं? ये एक बाइक बनाने में जी हमें कम से कम 1 महीने से ज़्यादा लगता है। कुछ मॉडल तो हमारे पास ऐसे हैं कि उनमें लगभग 2.5 महीने के करीब समय लगे है जी। बिल्कुल भाई, 1 महीना तो एक मतलब बाइक में लगे। कुछ मॉडल ऐसे हुए हैं क्योंकि छोटे छोटे पार्ट इन्होंने बनाने पड़े हैं भाई, हाथ की कलाकारी है सारी की सारी। अरे बड़ी चीज़ भाई साहब, इसमें मतलब जो पूरा प्रयोग है वो लकड़ी का प्रयोग हो रहा है सारा जी। इसके अंदर 100% लकड़ी लगी है और ना किसी साँचे का प्रयोग किया, ना किसी डिजाइन का, मतलब के पूरे अपने हाथों के साथ तराशी है और कोई सीएनसी मशीन नहीं, किसी प्रकार का कोई उपकरण नहीं, साधारण से जो औजार है ना साधारण, उनके साथ हमने तराशी है। ये देखो ये नया मॉडल है, आखिरी लॉन्च किया जी हमने। और आपको एक बात और बताता हूँ जी बड़े भाई, हम इसको कॉमर्शियल तौर पर नहीं ले रहे कि व्यापारिक दृष्टि से कोई हमारी कलाकृतियों को देखे, पैसा लगाने वाले तो बहुत आ रहे हैं लेकिन हम बेचते नहीं, क्योंकि हम बेचने लग गए तो हमको लगता है कि एक मॉडल की डिमांड भी पूरी नहीं होगी, तो हम तो साचा बनकर रह जाएंगे। हम तो हर बार सीखने का प्रयास करते हैं और बचपन से ही सीखते आए हैं, तो सीखते सीखते ही आप सबके सामने ये हमारी जितनी योग्यता ये आप सबके सामने परोस पाए हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा, एक मॉडल लेके आऊंगा जब हमने शुरुआत की थी वो शुरुआती दिनों में, तो आप इतने भाई से बातें करिएगा। बिल्कुल भाई, देखो इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है अक्षय भाई ने, इन्होंने कहा है भाई किसी भी आइटम को हम बेचते नहीं क्योंकि यदि बेचने लगे तो बिजनेस हो जाएगा भाई। इनका एक खास उद्देश्य यह है, मैं खुद भाई को पूछना चाहूँगा, भाई साहब म्यूजियम की जैसे आप बात कर रहे थे जी जी, तो जी क्या कुछ है? जी सबसे पहले तो आपके आशीर्वाद से, सहयोग से प्रशासन भी अब हमारे साथ कंधे कंधा मिलाकर खड़ा हो चुका है जी, और आपका आशीर्वाद भी वीडियो के माध्यम से, चैनल पर व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी आ रही है, आभार प्रकट करते हैं जी। और भविष्य में हम एक योग्यता अनुसार एक धरोहर टाइप में, मतलब के एक म्यूजियम टाइप लगा लो आप, म्यूजियम बनाएंगे अपनी धरोहर को जी, संयोज कर जी, संयोज कर रखेंगे सभी कलाकृतियों को, ताकि आने वाली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी देख सके कि पुराने समय में हमारे जो बुजुर्ग हैं कैसे जीवन व्यतीत करते थे। ये पूरी की पूरी हमने लकड़ी से बनाई है जी, और प्योरिटी ऑफ आर्ट, रियलिटी ऑफ आर्ट दर्शाने का प्रयास किया गया है, और बचपन से सीखते आ रहे हैं जी, सीखते रहेंगे, और आप अपना आशीर्वाद भी बनाए रखिएगा। ये देखिएगा जी, छोटा भाई ले आया जी, तो इसमें जो ये सबसे पहले जो आइटम भाई बताने लग रहे हैं, सबसे पहले ये आइटम तैयार करा था आकाश भाई? हाँ जी बिल्कुल, ये करा था जब हम स्कूल स्तर पे थे, जब स्कूल में पढ़ा कर देव तो छोड़ दिया, लगा लो प्लस टू वगैरह कर लिए, लेकिन जब स्कूल ही टाइम था ना, रॉयल एनफील्ड है कौन सी? ना ये राजदूत होती थी जी, ये मॉडल तो दूधिया के तौर पे आपने तैयार कर रखी है जो दूध नहीं है। हमारी ये कोशिश थी जी छोटी बाइक बनाने की, ये कोई सा मॉडल तो आप कह नहीं सकते स्पेशली, लेकिन ये एक सिंबल तौर पर लगा लो, तैयार कर रखी है भाई, दूधिया चला कर दे राजदूत मोटरसाइकिल ने। तो आकाश भाई ये आइटम तो आप तैयार करने भी लग रहे हो, म्यूजियम का भी आपका सपना है, आगे और भविष्य में लाइफ क्या आपका, आपकी रोजी रोटी क्या, किस हिसाब से आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करोगे? देखिए जी, जितने में रोजी रोटी की आवश्यकता है वो तो हम यूट्यूब से कमा लेंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है जो भारत की कला, भारत की जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उनको कास्ट कला के माध्यम से विदेश, देश विदेशों तक पहुंचाना। और हमें और कोई हुनर तो था नहीं हमारे अंदर, कमी रह गई अलग कैसे लगा लो, जो हमारे पास है हम उसके माध्यम से देश विदेशों तक भारत की जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उनको परोसने का काम करेंगे जी। बिल्कुल भाई, भारतीय कला के माध्यम से जो हमारी संस्कृति है, जो अपनी धरोहर है,
उसको भाई इकट्ठा करके और आने वाली जो पीढ़ी हमारी उनको दिखाने के लिए भाई साहब का जो प्रयास है, सैल्यूट है भाई साहब के प्रयास को। तो लास्ट में अक्षय भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ग्राउंड मीडिया की इतना कीमती समय दिया। जी, जी, तो जी। क्या आप अपील, क्या संदेश आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से दर्शकों को छोड़ना चाहेंगे? मैं प्यारे प्यारे दर्शकों को यही अपील करूंगा कि भाई साहब एक से एक और आइटम बनाएंगे, चुनिंदा कलाकृतियां बनाएंगे और दर्शक अपना आशीर्वाद प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। और एक छोटी सी अपील है, यदि आपको काम पसंद आ गया है तो भाई के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे अंदर जोश भरने का काम करेंगी। और अपना सुझाव दें और हमारा हो सके तो यदि आपको काम अच्छा लगा तो चैनल का दौरा भी करिएगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। बिल्कुल भाई, देखो आप सभी दर्शकों ने बताना चाहूँगा भाई YouTube वुड ट्यूब जो चैनल है भैया का, एक बार विजिट करें। क्यों करें विजिट? क्योंकि कैमरामैन को घुमा के दिखा दे, बच्चों ये आइटम दे रहे हैं आपके सामने, कहीं आपको ये लग रहा हो भाई हमने बड़े बनाए और वैसे मोल खरीद कर रख दियो, उस चैनल पर जाकर इन भैया की मेहनत, आपने एक एक बाइक जो ये नया डिज़ाइन है और जो और ये जो इन्होंने ये शुरुआत करी थी और जो और ये बाइक है जितनी भी है, तो इनके डिज़ाइन आपने तैयार मिलते मिलेंगे। यानी कि एक वीडियो पाँच पाँच दस दस मिनट की, आठ आठ मिनट की, छः छः मिनट की जो साइज़ है वहाँ पर आपको ये मिलेगा कि भाई ये कैसे तैयार होती है आपको पता चलेगा। और भाई चैनल सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन एक बार विजिट जरूर करो, और विजिट करो तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दियो। तो वीडियो कैसी लगी ग्राउंड मीडिया के कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी राय रखनी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से अपने कैमरामैन सुयोग इंतजार के साथ मैं जवाहर द्वार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।